हेलो गाइस, क्या हाल है। कई सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि कोई भी डायलॉग सीन जब हम एडिट करते तो उसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक के वॉल्यूम को कैसे कंट्रोल करते, मतलब कब वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, कब कम, हमारे सीन के हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते। तो उसके लिए मैंने एक सीन लिया है बॉलीवुड का और उसमें म्यूज़िक अलग से लगाया है और मैंने ये सिंबल के साथ शो किया है कि कब वॉल्यूम का आवाज़ ज़्यादा है और कब डायलॉग का आवाज़। तो आप ये देखेंगे तो समझ जाएंगे। कौन कहता है कि सबक सिर्फ किताबों से सीखी जाती है। इश्क की इस शहर को तो मुट्ठी में कर लिया पर ये दिल रेत की तरह हाथ से निकल गया। इश्क की मैं लड़ भी नहीं पाया और हार भी। तो गाइस, इस बैकग्राउंड म्यूजिक को हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने फ़ोन से ही। जी हाँ गाइस, काइनमास्टर ऐप के थ्रू हम ये करेंगे आज। और कई सारे मेरे व्यूअर्स पबजी के वीडियोस भी एडिट करते हैं तो वहाँ पर ये ज़्यादा काम में आता है। तो अपना काइनमास्टर ऐप ओपन कर लीजिए। तो गाइस, मेरे पास एक यहाँ वीडियो क्लिप है जहाँ पर डायलॉग चल रहा है और एक ऑडियो क्लिप है जो कि म्यूज़िक है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियरली म्यूज़िक को म्यूट करके डायलॉग सीन सुना देता हूँ। कौन कहता है कि सबक सिर्फ किताबों से सीखी जाती है। अब एक बार मैं ये जो वीडियो है इसका ऑडियो म्यूट करके आपको जो म्यूजिक है वो सुना रहा हूँ। इश्क की, ठीक है। तो अब दोनों को मर्ज करते हैं और हमारा मेन क्या मेन एम जो है वो ये है कि जहाँ जहाँ पर डायलॉग के बीच में गैप है ना, उस जगह को हम फील कर देंगे, उसको म्यूजिक से भर देंगे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर डायलॉग कुछ बोल नहीं रहा है एक्टर, वहाँ पर हम म्यूज़िक का वॉल्यूम बढ़ा देंगे। बस ये मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा, ठीक है। तो पहला स्टेप ये है कि जब पहली बार हमारे एक्टर ने पॉज लिया है वहाँ पर से हम म्यूज़िक को स्टार्ट करते हैं। कौन कहता है कि सबक सिर्फ किताबों से सीखी जाती है। तो देखो, यहाँ पर एक्टर ने पॉज लिया तो बस टाइमलाइन पर मैं क्लिक करूँगा मार्कर पर तो वहाँ पर मार्क हो जाएगा ब्लू कलर से और हम ड्रैग करके उसको वहां पर लगा देंगे ऑडियो को। इश्क की इस शेयर को तो मुझे थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लेंगे। तो ये पहला काम तो हो गया। अब इसके बाद क्या है, जब डायलॉग फिर से स्टार्ट होगा तो हमें म्यूजिक को कम करना है। तो उसके लिए आप एक बार अच्छे से सीन को सुन लो कि अगला डायलॉग कहां पर स्टार्ट हो रहा है। इश्क की यहां पर इस शहर को, तो यहाँ पर आपको ऑडियो पर क्लिक करना है, उसके बाद वॉल्यूम एनवेलप पर जाना है और यहाँ पर आप प्लस आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो एक की फ्रेम क्रिएट हो जाएगी। तो ये की फ्रेम जो है आप देख रहे हैं ऑडियो पर टाइमलाइन पर आ गई है, तो उसके पीछे भी आपको सेम एक ऐड करना है और उसके बाद जो लास्ट वाली जो की फ्रेम है उसको हमें वॉल्यूम को 100% से कम कर देना है। तो इससे आप लोग देख रहे हैं जो ग्राफ था ऑडियो का वो पूरा नीचे हो गया है इस की फ्रेम के बाद से, मतलब यहाँ से हवा जाना बंद हो गई है पर अब ऑडियो सारा कम हो चुका है। तो आगे जब हमें ऑडियो चाहिए रहेगा तो उसके लिए हमें एक दूसरी की फ्रेम ऐड करना पड़ेगी जहाँ से हम ऑडियो को वापस ले आए। तो उसके लिए चेक करो कि कब हमारा एक्टर वापस चुप हो रहा है, कब वो वापस पॉज ले रहा है, तो वहाँ पर हम ऑडियो को फिर से बढ़ा देंगे। शेर को तो मुट्ठी में कर लिया, यहाँ पर वो फिर से चुप हो गया है तो हमें फिर से अपनी टाइमलाइन सेलेक्ट करना है, इस बार अनदर की फ्रेम ऐड करना है पर हमें उससे ज़ीरो ऑडियो पर रखना है। तो इससे ये चेक हो जाएगा कि ये जो लास्ट की जो बीच की दो की फ्रेम से, मतलब इनके बीच में कोई भी ऑडियो नहीं है, ग्राफ से हमें समझना है, समझ रहे हो। तो इसके बाद हम फिर से थोड़ा सा आगे जाके एक और अनदर की फ्रेम ऐड करेंगे तो उस फिर उस की फ्रेम को हम 100% पर कर देंगे तो वहाँ से हमारा ऑडियो वापस आ जाएगा, समझ रहे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियरली आप कर पाएंगे ये सब। तो गाइस, यही सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ एडिटिंग को, तो क्योंकि आगे की प्रोसेस सारी सिमिलर है गाइस, आप सब कुछ समझ गए हैं, बस प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। फॉर वन इम्पोर्टेंट न्यूज़ गाइस, ये जो टॉपिक था मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया था कि यार भाई मुझे ये दिक्कत आ रही है कुछ पता, तो मैंने उसे कहा कि ठीक है मैं ट्यूटोरियल बना देता हूँ तो जिस किसी को और को भी दिक्कत आएगी तो उसकी हेल्प हो जाएगी बंदे की। तो मैं यार आपको यही बोल रहा हूँ यार गाइस कि आपको अगर कुछ भी डाउट आ रहा है या कुछ भी आप चाहते हैं कि ये इफेक्ट के ट्यूटोरियल बना दे भाई, टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ भी भाई, कमेंट करके बता दो, तुम्हारा भाई कैसे भी करके किसी भी हालत में सब कुछ बताएगा भाई, सब कुछ कुछ नहीं छुपाएगा, ठीक है। तो बेफिक्र कमेंट करो गाइस कि मुझे ये इफेक्ट सीखना है, मुझे ये ट्यूटोरियल चाहिए, टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए, बहुत सारी है मेरे पास टिप्स एंड ट्रिक्स, समझ रहे हो। थैंक यू गाइस। तो ये एडिट होने के बाद
आप इसे एक्सपोर्ट कर लीजिए और ये कुछ इस तरह से दिखेगा। कौन कहता है कि सबक सिर्फ किताबों से सीखी जाती है। इश्क की इस शहर को तो मुट्ठी में कर लिया, पर ये दिल रेत की तरह हाथ से निकल गया। इश्क की मैं लड़ भी नहीं पाया और हार भी।